Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है इस तरह से है कि आपके लिए कौन बने हैं, हु इज मेड फॉर यू एंड डेफिनेटली हु विल कमिट टू यू फॉर एवर। और दूसरा चीज है कि कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके लिए ही स्टॉक करते हैं। और अगर आप इस इंसान को बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है, तभी भी आपको क्लूज मिल जाएगा। आने वाले समय में जब आप इनको मिलेंगे तब आपको पता चलेगा। ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। सो टाइमलेस ए कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो चलिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को क्लेम कीजिए एंड दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लास्ट में हम चार्म्स को यूज़ करेंगे और इनिशियल्स को यूज़ करेंगे और ओरेकल्स को यूज़ करते ही है हम। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन है जो उन्हीं के लिए बने हैं एंड डेफिनेटली ये उनके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। हु कैनॉट फॉरगेट देम एंड हु इज पर्टिकुलरली मेड फॉर देम, हु इज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट देम, स्टॉकिंग देम। कौन है वो इंसान, प्लीज गाइड कर यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है फोर ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड वी डू हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, द स्टार। तो इसलिए मैंने आपको पहले कह दिया था कि शायद ये इंसान आपके डेस्टिनी में लिखे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट विच इज अ प्रूफ द लवर्स। ओके, वी डू हैव द पेज ऑफ कप्स, वी डू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाओ, टेम्परेंस, बैलेंस। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। देखो, जिस तरह से मैं आपसे कहना चाहती हूँ ज़ोडियक साइंस में पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ नंबर्स बता दूंगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे है। वाटर साइन, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। जस्टिस लिब्रा है, ओके, जेमिनी है एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन, लिब्रा है एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन। अगर कोई साइन यहाँ पे मिसिंग है तो कोई बात नहीं, सेजिटेरियस इज देयर एज अ फायर साइन, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 6, 9, ठीक है, 69, सो इट्स अ ग्रेट नंबर, ओके। दूसरा चीज है कि यस, 4 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 11 इज इम्पॉर्टेंट एंड 14 इज इम्पॉर्टेंट, 4, 11, 14, ठीक है, और 6 and 9 आर इम्पॉर्टेंट। अभी शुरुआत कर ही लेते हैं कि ये इंसान कौन है। कुछ लोगों के लिए मैं तो यहाँ पे इनको पास्ट से देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से होता है ना कि हमारे पास जैसे आफ्टर टेंथ बेसिकली वी डू हैव चॉइसेस टू गो फॉर साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है। तो आपके पास भी वैसे चॉइसेस रहेंगे कि जहाँ पे आपके लिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फील हो रहा है, देयर कैन बी टू पर्संस, ठीक है, कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है, ये ऑलरेडी एक पर्सन आपके जिंदगी में है, ठीक है। और कहने का भी यू आर नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप, आप बिल्कुल खुश नहीं है उस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो आपको उस तरह का मर्यादा, उस तरह का जो एक लोगों को देना चाहिए, ठीक है, उनका वो जो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, वो नहीं देते हैं बेसिकली, ठीक है। और एक इंसान है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, टू द इन्फिनिटी लेवल आप बोल सकते हैं, बहुत ही सोचते हैं, ठीक है, और वो
किस तरह से आपको खुश करे, ठीक है, थोड़ा बचपना हरकत करते हैं, लेकिन वो किस तरह आप खुश रहे वो हमेशा उनके जहन में है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कल्पना शक्ति है उनके अंदर कि मैं अपने पार्टनर के साथ इस जगह पे जाऊंगा या इस जगह पे जाऊंगी, कहीं ना कहीं पे मेरे जो पार्टनर होंगे मुझे मेरे साथ ऐसे बिहेव करेंगे, आई विल जस्ट होस्ट अ पार्टी, ठीक है, एंड आई विल जस्ट फीड हिम, मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, जो भी है, मतलब आप समझ सकते हैं, इट्स मोर अबाउट द रियल कैरेक्टर, ठीक है। और ये इंसान, ठीक है, जो दूसरा है, हो सकता है ये इंसान, पहले बात तो है कि अपने जीवन में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो इसलिए उनके जीवन में हो सकता है कि बहुत ऑप्शंस थे, इसलिए वो आपको उतना ज़्यादा वेटेज, जिस तरह से बोला जाता है ना, वेटेज नहीं दिया, ठीक है। हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तब जब हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ होता है, आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स है, ड्रेसेस है, तो आपको डेफिनेटली मन नहीं करेगा कि दूसरा चीज़ के ऊपर ट्राई करें, आपके वार्डरोब भर जा रहे हैं, तब कभी भी ट्राई नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आप सेटिस्फाइड रहोगे कि मेरे पास जो है दैट्स एनफ। पर फिर भी उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है और उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिग्रेट है, ये आपके पास रिलेशनशिप हो सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने आपकी नींद ख़राब किया हुआ था, अभी उनकी नींद जैसे है ना ख़राब हो रहा है। नाउ दे वॉन्ट टू कम बैक, ठीक है, विद दैट कप टूअर्ड्स यू। अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी आपके जिंदगी के एक अहम भूमिका निभाएंगे, वो ऐसे इंसान होंगे जिनका नेम फेम पॉपुलैरिटी तो होगा ही अच्छा, और ये इंसान बेसिकली बहुत अच्छे होंगे, काइंड हार्टेड, ठीक है, वार्म, जेनरस, बहुत ज़्यादा हम्बल, ठीक है, अच्छे से बात करना, तरीके से बात करना, ठीक है, उल्टा सवाल नहीं पूछना, देर इज़ नो पेज ऑफ स्वर्ड्स हियर, यहाँ पे देखो एक भी जगह पे पेज ऑफ स्वर्ड्स नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये इंसान क्रिटिकल क्वेश्चंस इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। दूसरा चीज़ है, न्याय में बिलीव करने वाले इंसान हैं, फेयरनेस हो, जस्टिस हो आपके साथ, ये देखभाल ज़रूर करेंगे कि अगर आपने अपने साइड से 100% दिया तो वो भी 99.9 ना दे के 100% देंगे। काफ़ी ज़्यादा अगर आप रैक्स देख रहे हो तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इधर तो इनके घर में हो सकता है वो ऐसे लाइब्रेरी सेटअप, या वो लाइब्रेरी में अक्सर जाते हैं, एंड नाउ ऑनलाइन लाइब्रेरीज आर देयर, राइट, ई लाइब्रेरीज आर देयर, तो वो एक्सेस करते रहते हैं डिफरेंट बुक्स, इवन लाइब्रेरीज आर ऑल्सो देयर टूडे। सो जनरली क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान के पुजारी है ना, वो अभी भी उस तरह के लाइब्रेरीज में ही जाते हैं, सो दे आर वेरी स्टूडियस, बहुत ज़्यादा, और इनके वजह से इनको स्कॉलरशिप्स भी मिला, इनको बहुत ज़्यादा, ये हमेशा खुश रहे और अपने तरक्की सही समय पे किया, जैसे बोला जाता है ना कि कुछ लोग तरक्की करते हैं एट द एज जो बहुत देर हो जाता है, लाइक आफ्टर 40, आफ्टर 45, बट इन्होंने जब तरक्की किया सही समय पे, इन्होंने तरक्की किया बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस, डेडिकेशन, इस तरह का स्टूडेंट थे ये। दूसरा चीज़ है, आपके पर्सन जो भी है, मे बी दे आर डीलिंग विद एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, नेगोशिएशन, ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट, यू कैन से लाइक दैट, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डीलिंग, क्लाइंट्स के साथ बात करना, ऑर्डर लेना, सप्लाईज प्रोवाइड करना, उस तरह के चीज़ों में भी इन्वॉल्व है। नाउ ऐसे इंसान है, यहाँ पे देखो चार मेजर अर्कना है, द स्टार, द जस्टिस, द लवर्स एंड द बैलेंस। ये इंसान ऐसे इंसान है जो विश्वास रखते हैं कि सबके आइडियाज लेने चाहिए, खुद ज़बरदस्ती अपने आइडिया को थोपना नहीं है, सबके अंदर टैलेंट है, सबसे पूछो कि सबका राय क्या है, सबका डिसीजन क्या है, इवन फैमिली में भी यही करते हैं, सबको पूछते हैं आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है, फिर सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक साथ लिख के फिर उसको ब्लेंड करके एक कॉमन पॉइंट पे आ जाते हैं कि ठीक है यही होगा आपसे, ठीक है। सो दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिफाइड रोल, ठीक है, ये अच्छे एक पिता भी बन सकते हैं, माँ भी बन सकते हैं,
या अच्छे हस्बैंड है, वाइफ भी बनेंगे। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि दे विल बी योर बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, आप एक पार्टनर के अंदर एक बेस्ट फ्रेंड भी ढूंढोगे, ठीक है, और आपको मिलेगा भी। ठीक है, आपके मन की बातें आपसे पहले जान जाएंगे। यू विल बी टेलीपैथिकली कनेक्टेड एंड प्लेटोनिकली भी कनेक्टेड। तो मुझे यहाँ पे दो इंसान दिखाई दे रहा है, एक तो है जिसका रिग्रेट हो के आपके जीवन में वापस आना, और दूसरा कुछ और, जहाँ पे हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस में मिले, स्टडीज करते हुए मिले, ट्रैवलिंग के वक्त मिले, और कोई कोर्ट के सिलसिले में मिले, लीगल प्रोसीडिंग्स में मिले, आफ्टर डिवोर्स के बाद मिले। कुछ लोगों के लिए मे बी आफ्टर डिवोर्स यू आर मीटिंग दिस पर्सन, ये भी हो सकता है। एंड दिस पर्सन, ये आप ऐसा हो सकता हो कि जब आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इवन लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारा सोल्यूशन कर दीजिए, एंड देन यू आर एट योर ओन पीक। स्टार इज नॉट ऑल अबाउट द हीलिंग, पर स्टार इज ऑल अबाउट, यू कैन से दैट, किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है स्टार। ऐसा नहीं है कि हमेशा शो ऑफ करना बाय कॉस्मेटिक्स, बाय आउटफिट्स, बाय पार्स, बाय वॉलेट, ठीक है, ग्रूमिंग सेशंस, वही स्टार नहीं होते हैं। स्टार वही होते हैं जो ज़रूरतमंद लोगों को सही समय पे हेल्प करते हैं। टू मी दे आर स्टार्स, आई डोंट नो, स्टार का अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, बट मेरे लिए स्टार वही है, वो सितारा वही है जो लोगों के जीवन में वो रोशनी लेके आते हैं, वही स्टार है। इट्स नॉट ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एवरी टाइम, ठीक है, हाँ किसी को खुश करना वो ठीक है, बट हमेशा ही बाय फैशन, बाय यू कैन से दैट बाय शो ऑफ, बाय कॉस्मेटिक्स, यही नहीं है, बाय ड्रेसेस, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन, बट माय ओपिनियन इज़ लाइक दैट। तो ये उस किस्म के इंसान होंगे। एज गैप है, अगर आपके पर्सन मेल है तो मैं आपको बता देती हूँ, इनको लाइट ब्लू कलर और ब्राउन चेक चेक शर्ट्स पहनना बहुत पसंद होगा, शॉर्ट हेयर होंगे, मिलिट्री में है तो शॉर्ट हेयर है, और अगर मिलिट्री में नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट हेयर ही बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और कर्ली भी हो सकता है, ब्लैक, एक्सट्रीमली ब्लैक हेयर, एंड फॉर फीमेल येस लाइक दिस लेंथ, शोल्डर लेंथ हेयर, ओके, एंड येस ब्लैक और ब्लॉन्ड इन कलर। आँखें काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन आपको दिखेंगे, एंड वेरी सॉफ्ट आईज और सॉफ्ट लिप्स, एंड हमेशा इस तरह से बैठना पोस्चर में जैसे आपके तरफ उनका अटेंशन जाता हो, कि ऐसे ऐसे हाथ अपने गालों पे लेके ऐसे बैठना, आपको देखते रहना, इट्स लाइक दैट। तो मतलब यहाँ पे देखो, अगर हम लवर्स कार्ड को यहाँ पे देखें, सो देयर विल बी अ मीडिएटर, और मैंने आपको बताया था ग्रीन कलर इज़ अ एमरल्ड, शायद आपने वो वीडियो देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता। एमरल्ड इज़ अ क्रिस्टल फॉर लव, एंड डेफिनेटली यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि लव विल एग्जिस्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे इफेक्ट करेगा। अभी यहाँ से देखते हैं विद द ओरेकल, फिर हम देखेंगे विद द इनिशियल्स एंड चार्म्स। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा। इनको बिजनेस हो सकता है फ्रूट ऑर्चर्ड का, मतलब फ्रूट्स बिजनेस हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, नेवी में काम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, और आर्मी में हो सकता है, लॉ में हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, इसलिए डेटा एनालिसिस, ओके, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनी पॉलिसीज, पॉलिसी बनाना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, मे बी गवर्नमेंट जॉब, इसलिए रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पे बनाते हैं। दूसरा चीज़ है बहुत बड़े स्कॉलर, दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देना, पैसा इस तरह से रोजगार करना, खुद का तो है ही यूनिवर्सिटी में, ठीक है, पोजिशन, फिर भी लोगों का जगह पे लोग इनको बुला के लेके जाते हैं, ठीक है, एज यू कैन से दैट गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट प्रोफेसर, और वहाँ पे जाके वो लेक्चर्स देते हैं।
यंग पर्सनैलिटी बट बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट. सो देख लेते हैं व्हाट आर द ओरेकल्स विच आर कमिंग. दो दो यहाँ पे मरमेड है. सो इट्स अ वेरी यूनिक रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा यूनिक है रिलेशनशिप. ये इंसान कभी भी इस बाउंड्री में नहीं रहना चाहेंगे, ठीक है. उनको बियॉन्ड द वर्ल्ड, आप देखो यहाँ पे ये जो सर्कल है, बियॉन्ड द वर्ल्ड इनका सोचना है. बियॉन्ड द वर्ल्ड मतलब इस दुनिया से भी बाहर जो दुनिया है उनके बारे में तमाम ज्ञान होना. वेरी अनयूजुअल टाइप, ठीक है. सो आप बोल सकते हैं द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, द स्पिरिट वर्ल्ड, द अननोन, जिसको हम जानते नहीं हैं. ओके, सो दे आर लाइक अ मैजिशियन, मतलब उनके हाथ की कमाल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. ओके, ट्विन फ्लेम एंड डेस्टिनी, देखो 17 एंड 17 यही प्रूफ करता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि यही आपके डेस्टाइन पार्टनर है. एंड अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप यहाँ पे भी 69 आया था. तो 69 कैन बी कैंसर एंड 69 कैन ऑल्सो बी अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. बट इस रिलेशनशिप में बैलेंस होना और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, यही सबसे ज़्यादा कठिनाई होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, कि आप एक दूसरे को कितना हद तक समझे. ऐसा अगर आप समझते हैं कि नहीं वो तो मेरे से बहुत बड़े प्रोफाइल के हैं, और वो भी अगर समझते हैं कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ ये छोटे हैं, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो सकता. सो इट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट्स. और यहाँ पे स्नेक है, यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे फोटोग्राफ है. सो समहाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू हैड बीन एक्सप्लॉयटेड इन अदर रिलेशनशिप. बाकी रिलेशनशिप में आपको एक्सप्लॉयट किया गया, आपको टेम्पटेशंस दिया गया, आपको फॉल्स प्रोमिसेस मिले, लेकिन ये सब नहीं रहेगा. जिसका तस्वीर आप अभी भी अपने दिल में दफन करके रखे हैं, दैट पर्सन इज नॉट वर्थी, ठीक है. और वो इस ब्रांच में, उस ब्रांच में जाने में ही उसको मज़ा है, लाइक अ मंकी, ठीक है. उसको एक जगह पर रहना ही नहीं है. सो यू शुड गेट डिटैच्ड फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. और सबसे ज़्यादा अपने स्टडीज़ में, अपने वर्क में फोकस कीजिए. इस बबल्स के तरह मत सोचिएगा, रियलिटी को, इस जो रियल वर्ल्ड है उसको जानने की कोशिश करें, ना कि इमेजिनेशन के दुनिया में हमेशा ही रहे. इमेजिन करें हमेशा, बट उसको रियलिटी में कैसे लेके आए वो भी आपको देखना है, ठीक है. अभी हम देख लेते हैं विद इनिशियल्स एंड चांस. पहले हम इनिशियल्स को देख लेते हैं. YIH781AWL. अश्विनी नक्षत्र हो सकता है किसी का अश्विनी, और मंकी ईयर में किसी का जन्म हो सकता है, चाइनीज मंकी ईयर. आयुषी किसी का नाम हो सकता है, डोंट नो. आयशा किसी का नाम हो सकता है. ओके, तियाशा किसी का नाम हो सकता है. आयान किसी का नाम हो सकता है. ओके, ऑलराइट. अनिल किसी का नाम हो सकता है. ओके, एनजेड कैन बी स्टे इन फॉरेन कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड. ओके, न्यूयॉर्क, NY. ओके, सेवेंटीन अगेन अ डेस्टिनी नंबर, 17, 8 आप देखोगे 17, 17 उसके बाद. एंगेजमेंट रिंग, वेरी गुड. दे वांट टू गेट एंगेज्ड विद यू. स्टार दो दो बार, तीन बार इनफैक्ट, चार बार इनफैक्ट. 17, 17, 17, 17 ओके, बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन हो रहा है कि यही आपके लिए बने हैं, यही है वो इंसान. क्योंकि अगर फीमेल है थोड़ा सा कर्ल्स हो सकता है. ओके, या वो कर्ल्स करवाते हैं,
दिस आर द लवर ओके सोलमेट विल ऑफ फॉर्चून मिलते ही आप दोनों की किस्मत जो है ना एक दूसरे का जो जैसे बोला जाता है ना दो कुंडली जो होती है एक कुंडली के साथ एक कुंडली ठीक है दूसरा कुंडली मिल जाता है ना और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है अच्छा समय आ रहा है आपके लिए सो डोंट वरी ओके टॉम एंड जेरी का रेस ओके सो क्यूट बो फॉर्मल पार्टी इनफॉर्मल पार्टीज बहुत अटेंड करते हैं स्टेबिलिटी तो होके रहेगा और शिप का भी इंडिकेशन है ठीक है मर्चेंट ने भी या कॉमर्शियल शिप या क्रूज लाइन या मिलिट्री इससे एसोसिएटेड है या ट्रैवलिंग करना बाय सी बाय वाटर इनको बहुत पसंद है सितारे को जब भी देखेंगे आप ठीक है शूटिंग स्टार को जब भी देखेंगे तभी आप कुछ विश मांग लीजिएगा हीलर हो सकता है एंड डेफिनेटली पैसा रह सकता है फर्टिलिटी कैन बी वेरी मच ठीक है So this are all about today's reading. I hope you like it. If you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Six Way Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.